जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनके किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, शनिदेव कल सुबह 7:52 पर मकर राशि से निकल कर कुंभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो इस गोचर के कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले शनि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शनि की जो चाल है वो बहुत धीमी चाल होती है और ये एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय ले लेते हैं। मतलब एक राशि में इनका गोचर लगभग 2.5 वर्ष का होता है और आमतौर पर इनकी जो दशा है और जो इनका गोचर है वो आपको आपके कर्मों का हिसाब देती है। तो परिणाम धीमे लेकिन प्रबल होते हैं। हालांकि ये जातकों की जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि उनकी जन्म कुंडली में शनि के क्या पोजीशन है, शनि किस तरह से की स्थिति में वहां पर मौजूद हैं और जातक की कुंडली में शनि किस भाव में स्थित हैं और उच्च के हैं, नीच के हैं या किस कंडीशन में हैं, इन सभी को देखने की बात है। इससे परिणाम प्रभावित होते हैं। शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है और ये अच्छे कर्म करने वालों को सकारात्मक परिणाम देते हैं और बुरे कर्मों या अवैध कार्यों में शामिल लोगों को नकारात्मक परिणाम देते हैं। अगर आपको कोई इनकी दशा या 7.5 में दुख मिलता है, उसके बाद अंतिम परिणाम स्वरूप अगर देखें तो आपको जीवन की सीख दे जाते हैं। एक अच्छी सीख और सही और गलत के बीच का फर्क शनिदेव अपनी दशा और अपनी 7.5 में समझा देते हैं व्यक्ति को। और इनको मकर और कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इसके अलावा परिपक्वता देते हैं, व्यवहारिकता और कर्तव्य निष्ठा। इसके अलावा निष्पक्ष व्यवहार करने वाला शनि और तुला राशि में उच्च के होते हैं, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो कुंभ राशि वालों पर शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जान लेते हैं। का गोचर कुंभ राशि में होगा, इनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और दशम दृष्टि दशम भाव पर होगी। शनि आपके राशि स्वामी हैं, आपके राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि में ही होगा। इस समय आप उत्साह से भरे रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और आपके जीवन साथी के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा और जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा और आपके जीवन साथी के साथ एक स्थिर और स्वस्थ रिश्ता चलेगा इस समय पर आपका। और व्यापारिक जीवन में अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपको वहां पर लाभ होता हुआ दिखेगा और व्यापारिक जीवन में आपको पार्टनरशिप में काम करने के कुछ मौके भी इस समय पर मिल सकते हैं। हालांकि आपके जीवन में इस समय पर थोड़ा सा आलस्य और थोड़ा सा सुस्ती देखी जा सकती है और आपके पुराने प्रयासों का फल आपको इस समय पर मिलेगा। और शनिदेव बहुत मेहनत के बाद परिणाम देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो दशम भाव पर दृष्टि होगी तो व्यापार कारोबार में भी लाभ देंगे, नौकरी में भी लाभ देंगे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद देंगे क्योंकि शनिदेव बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, बिना मेहनत के कुछ देने वाले नहीं होते हैं। तो एक तो प्रथम भाव में रहेंगे तो आपको अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो जीवन साथी के साथ आपको ईमानदार रहना है। शनिदेव का ये गोचर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक रहेगा और 12 जुलाई को वो फिर से मकर राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। इस समय पर आपके अगर वैवाहिक संबंधों के अलावा कोई दूसरे संबंध किसी से हैं, मतलब विवाह से अलग संबंध हैं, तो वो इस समय पर आपके साथी को पता चल सकते हैं क्योंकि शनिदेव न्यायप्रिय हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि है। और व्यापारिक पार्टनर के साथ अगर आपका संबंध अच्छा है, आप ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा और अगर उसमें भी आप चालाकी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको हानि देखने को मिल सकती है।
और दशम भाव पर दृष्टि है तो आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर कड़ी मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके बॉस प्रसन्न रहेंगे, आपको पदोन्नत मिल सकती है, वेतन वृद्धि मिल सकती है और आपके कार्य क्षेत्र में आप अपने सहयोगियों का इस समय पर सम्मान करें। 29 अप्रैल से 11 जुलाई के बीच में अगर आपने अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं किया तो आपको परिणाम अच्छे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और व्यापार कारोबार में भी जो लोग आपके नीचे काम करने वाले हैं उनका सम्मान आप करें, उनकी बातों को सुनें और उनको भी लाभ दें तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने उनका सम्मान नहीं किया, उनको लाभ नहीं दिया तो आपको लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इस समय पर आप छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, मित्रों से संबंध अच्छे रखें तो साहस बढ़ा रहेगा, पराक्रम बढ़ा रहेगा और आप अपनी मेहनत ज़्यादा कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इस समय पर आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखकर चलना है। हालांकि धन लाभ होता रहेगा लेकिन खर्चों की अधिकता देखी जा सकती है, तो बजट बनाकर चलें, खर्चों पर नियंत्रण करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम शनिदेव के गोचर के कुंभ राशि वालों को मिल सकते हैं, जब इनका गोचर मकर राशि से कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 को शुरू होगा और 11 जुलाई 2022 तक चलेगा और 12 जुलाई को ये फिर से मकर राशि में गोचर शुरू करेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम उस समय पर कुंभ राशि वालों को देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपको शनिवार वाले दिन शनि चालीसा का पाठ करें, शनि भगवान की पूजा उपासना करें और किसी गरीब व्यक्ति को सरसों का तेल दान दें, कोई लोहे का छोटा मोटा बर्तन दान दें, काले उड़द की दाल दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और किसी गरीब व्यक्ति को या अपाहिज को, कुष्ठ रोगी को या अंधे व्यक्ति को आप भोजन करा दें तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। या शनिवार वाले दिन आप काली गाय की सेवा भी कर सकते हैं, उसको आटे की लोई खिला सकते हैं और तो उससे लाभ मिलेगा। उसको आप हरा चारा भी खिला सकते हैं लेकिन वो बुधवार के दिन खिलाएं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस तरह का कुछ आप जो भी उपाय कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के गोचर के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कुंभ राशि वालों का गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।